हम लोग आज पढ़ेंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। क्रोमोसोम्स एक्चुअली क्रोमोसोम्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स जो है वो नंबर ऑफ डीएनए से मिलकर बना होता है जो जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब एक जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो पेरेंट्स टू चाइल्ड में ट्रांसफर होता है वो क्रोमोसोम के जरिए ट्रांसफर होता है। अगर सिंपल लैंग्वेज अगर हम लोग अगर जानेंगे तो अगर सेल डिवीजन को अगर आप लोग अच्छे से जान रहे हो तो न्यूक्लियस टूटता है। न्यूक्लियस का चार भाग होते हैं तो न्यूक्लियर रेटिकुलम होता है। न्यूक्लियर रेटिकुलम टूटकर ही क्रोमोसोम्स थ्रेड में बनता है। क्रोमोसोम्स थ्रेड में डिवाइड होता है और यही जेनेटिक मटेरियल कैरी करता है एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में। अब सबसे पहले हम इसके बाद क्रोमोसोम्स के बाद हम लोग सबसे पहले जानेंगे कैरियोटाइप्स। कैरियोटाइप्स क्या है? कैरियोटाइप्स है स्टडी ऑफ द क्रोमोसोम अकॉर्डिंग टू देयर साइज एंड शेप एंड स्ट्रक्चर। इसको कैरियोटाइप्स कहते हैं। हम लोग क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर साइज के मुताबिक उसको अगर स्टडी करेंगे तो उसको कैरियोटाइप कहेंगे। और ह्यूमन में जो होता है ह्यूमन क्रोमोसोम जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा होता है। जैसे पहला क्रोमोसोम जो है वो सबसे बड़ा होगा और 22nd क्रोमोसोम जो है वो सबसे छोटा होगा। तो ह्यूमन क्रोमोसोम जो होगा वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा होता है। तो पहला क्रोमोसोम जो है वो सबसे बड़ा और 22nd क्रोमोसोम जो है वो सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट पार्ट है। इसके बाद हम लोग जानते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन क्रोमोसोम। मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब उसका ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो ह्यूमन क्रोमोसोम बना है, इसका इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि हम लोग इसमें और अर्ली एनाफेज में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए इसको विजुअलाइज किया जा सकता है। इसके बाद अब क्रोमोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ द क्रोमोसोम क्या क्या होता है। अब सबसे पहले डायग्राम का अगर फोकस करें तो यहाँ पे क्या क्या है, पेलिकल्स है, मैट्रिक्स है, फिर क्रोमोनिमाटा है, क्रोमोमियर है, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है यहाँ पे, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के अंदर हम लोग देखेंगे तो क्रोमोमियर, काइनेटोकोर है, फिर सेटेलाइट है, टेलोमियर है। अब इसी को हम लोग अच्छे से डिटेल में जानेंगे। क्रोमोनिमाटा क्या है? क्रोमोनिमाटा अनकॉइल्ड डीएनए जब क्रोमोसोम के अंदर होता है तो उसको हम लोग क्रोमोनिमाटा बोलते हैं। वही जब डीएनए जब क्वाइल्ड हो जाता है तो उसको क्रोमाटिड बोलते हैं। अनकॉइल्ड डीएनए को हम लोग क्रोमोनिमाटा बोलते हैं या फिर थ्रेड ऑफ द डीएनए विच थ्रेड ऑफ द डीएनए जो मैट्रिक्स के अंदर फ्लो करता रहता है उसको हम लोग क्रोमोनिमाटा बोलते हैं। इसके बाद फिर क्रोमोमियर क्या है? अगर हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर को अच्छी तरीके से समझेंगे तो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या फिर सेंट्रोमियर एक सर्कुलर स्ट्रक्चर है या फिर ओवुलर स्ट्रक्चर जहाँ पे क्रोमोमेयर बल्जिंग पार्ट में वहाँ पे दिखता है और वो काइनेटोकोर के जरिए कनेक्ट रहता है। तो क्रोमोमेयर जो है प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन में होता है और वो काइनेटोकोर के जरिए कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन क्या है? प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन हम लोग बोलेंगे कि वो एक ऐसा पॉइंट है जो दो क्रोमाटिड को अटैच करता है। और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से ही स्पाइनल फाइबर्स सेल डिवीजन के टाइम में जुड़ा होता है जो दो क्रोमाटिड्स को अलग करता है। इसके बाद सेंट्रोमियर और प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन एक ही है। और इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे क्रोमाटिड के बारे में। काइनेटोकोर के बारे में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। काइनेटोकोर जो है वो क्रोमोमियर को अटैच करता है, दो क्रोमोमियर को स्ट्रक्चर को अटैच करता है या फिर प्लेट है जो स्पाइनल फाइबर्स को जनरेट करता है। जहां से स्पाइनल फाइबर्स अटैच होता है उसी को काइनेटोकोर कहते हैं। इसके बाद फिर क्रोमाटिड को पढ़ेंगे। क्रोमाटिड को पढ़ने के लिए हम लोग दोनों डीएनए को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक पेयर ऑफ द डीएनए अगर देखते हैं तो ये जो दो क्रोमाटिड है, दो जो थ्रेड्स है, क्वाइल डीएनए थ्रेड्स है, ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है। और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है। अब अगर इस बड़े से स्ट्रक्चर में अगर हम लोग देखेंगे तो ये दोनों जो हुआ, ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड्स हुआ। अगर इसका अगर एक और पेयर देखेंगे तब इसके एक और पेयर के साथ अगर इसका एक और क्रोमाटिड्स को देखेंगे तो वो दोनों सिस्टर हुआ और ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हुआ। जैसे देखो ये पेयर में, ये दो पेयर में जो ये दोनों क्रोमाटिड है ये दोनों सिस्टर क्रोमाटिड है, पर ये दोनों जो है ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स है।
सिस्टर और अनसिस्टर क्रोमैटिड्स कब जरूरत पड़ता है, जब दो अलग अलग पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जब एक साथ आता है, क्रॉसिंग ओवर होता है, वहां पे इसका बहुत ज्यादा फंक्शन है सिस्टर और अनसिस्टर क्रोमैटिड्स का। ये बहुत क्लियर हुआ, जो एक पेयर का दो क्रोमैटिड जो होगा वो सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा और अलग अलग क्रोमोसोम का जो क्रोमैटिड्स होगा वो नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स होगा। इसके बाद फिर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन आ जाएंगे। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन मेनली सारे क्रोमोसोम्स में नहीं होता, या फिर एकदम लास्ट पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम कहीं पे स्टार्टिंग शुरू में होता है, कहीं पे लास्ट में होता है, और इसका बहुत ज्यादा फंक्शंस नहीं है। यहाँ पे डीएनए जो है वो क्वाइल नहीं रहता बहुत ज्यादा, और सिंगल थ्रेड में पास करता है, इसलिए उसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन कहते हैं। सेटेलाइट टेलोमेयर, सेटेलाइट जो है वो एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम है, जो हुक लाइक या नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है सेटेलाइट। और सेटेलाइट क्या करता है, जब डीएनए जब क्रोमोसोम जब डैमेज हो जाता है तो सेटेलाइट उसको रीजनरेशन में हेल्प करता है। और फिर टेलोमेयर, टेलोमेयर जो है नॉन स्टिकी एंड ऑफ द क्रोमोसोम है। इसको नॉन स्टिकी एंड मतलब क्यों है क्रोमोसोम का, ताकि एक क्रोमोसोम दूसरे क्रोमोसोम से अटैच ना हो जाए, इसीलिए ये एक नॉन स्टिकी एंड ऑफ द क्रोमोसोम है। इसके बाद हम लोग पेलिकल और मैट्रिक्स पढ़ेंगे। पेलिकल जो है पूरा कवरिंग ऑफ द क्रोमोसोम्स को पेलिकल कहते हैं, और उस क्रोमोसोम थ्रेड जिस फ्लूइड में मूव करता रहता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट सा फॉर्म है, आपको अगर ये लगे तो आप इसको याद कर सकते हो, सी सी पी सी के सी, सी सी पी सी के सी एस एस टी पी एम, सी सी के सी, सी सी पी सी के सी एस एस टी पी एम। सी सी मतलब क्रोमोनिमाटा क्रोमोमेयर, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन सेंड्रोमेयर काइनेटोकोर क्रोमाटिड, सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन सेटेलाइट टेलोमेयर एंड पेलिकल एंड मैट्रिक्स। इसी को फिर से अगर देखेंगे तो कैसे पढ़ेंगे, सी सी पी सी के सी एस एस टी पी एम। तो क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो होगा वो क्रोमोसोम को हम लोग दो भाग में डिवाइड करेंगे, पहला ऑटोसोम फिर एलोसोम। ऑटोसोम जो होगा वो 22 पेयर्स होगा ह्यूमंस में, ऑटोसोम जो होगा वो 22 पेयर्स होगा। ऑटोसोम वो क्रोमोसोम है जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं रखता अपने पास, वो बाकी बॉडी के अदर कैरेक्टरिस्टिक्स को रखता है, जैसे कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द हेयर, वो सब। और एलोसोम जो है वो वन पेयर होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होता है ह्यूमन में, जिससे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। जैसे एक्स जो होता है वो बोथ होता है, बोथ दोनों में होता है, मेल और फीमेल दोनों में होता है। वाई जो होता है सिर्फ मेल में होता है, और इसको सेल्फिश जीन भी कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी डिजीज कंडीशन या फिर कोई भी हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं, हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक्स लेता है पर कोई भी हेरिडिटरी डिजीज कंडीशन ट्रांसफर नहीं करता, इसलिए इसको सेल्फिश जीन कहते हैं। और अगर मेल में हम लोग देखेंगे, फीमेल में अगर देखेंगे तो दो एक्स होता है और मेल में एक्स वाई होता है। तो एक्स जो है वो दोनों में कॉमन है, इसलिए एक्स बोथ में होता है और वाई सिर्फ एक में होता है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे कुछ टाइप्स के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर्स पोजीशन, सेंट्रोमियर कहाँ पे है, सेंट्रोमियर उस क्रोमोसोम के कहाँ पे है, इसमें इसके पोजीशन के मुताबिक क्रोमोसोम्स को चार भाग में डिवाइड किया गया है, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम और टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अगर आप जान रहे हो तो देखो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होगा उसमें सेंट्रोमियर जो होगा एकदम मिडिल में होगा, ये है सेंट्रोमियर का पोजीशन एकदम मिडिल में, तो ये इंग्लिश के वी वी शेप को डिनोट करता है, एकदम मिडिल में है। सब मेटासेंट्रिक जो है उसमें एकदम मिडिल में नहीं होगा, नियर टू मिडिल होगा, अगर इसको देखेंगे तो नियर टू मिडिल, एंड से के ज्यादा ये मिडिल के करीब में होगा, इसलिए इसको सब मेटासेंट्रिक बोलेंगे। जैसे देखिए, मेटासेंट्रिक एकदम मिडिल, सब मेटासेंट्रिक नियर टू मिडिल से सेंटर होगा, ये इंग्लिश के एल शेप को डिनोट करेगा एल। फिर आ जाएंगे एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक जो होगा वो नियर टू एंड, नियर टू एंड होगा, एकदम एंड में नहीं होगा, नियर टू एंड होगा, तो ये इंग्लिश के जे शेप के तरह होगा, इंग्लिश वर्ड के अल्फाबेटिक लेटर में जे शेप को डिनोट करेगा, उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे। और लास्ट आ जाते हैं टेलोसेंट्रिक, एकदम एंड में जो क्रोमोसोम सेंट्रोमियर होगा उसको एक्रोसेंट्रिक बोलेंगे, एकदम एंड पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम सेंट्रोमियर एकदम एंड ऑफ द क्रोमोसोम में होगा। आ जाइए फिर से देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर पोजीशन, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक एंड टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक में मिडिल में होगा जो वी शेप को डोनेट करेगा, सब मेटासेंट्रिक एल शेप को डोनेट करेगा, एक्रोसेंट्रिक जे शेप को डोनेट करेगा और टेलोसेंट्रिक आई शेप को डिनोट करेगा। इसके बाद फिर
फिर हम लोग देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर्स नंबर, कितना नंबर है सेंट्रोमियर का एक क्रोमाटिड्स में। तो सबसे पहले असेंट्रिक, असेंट्रिक क्रोमोसोम्स जो होगा उसमें सेंट्रोमियर्स एब्सेंस होगा, एक भी सेंट्रोमियर नहीं होगा, वो असेंट्रिक होगा। मोनोसेंट्रिक क्रोमाटिड्स जो होगा उसमें एक सिर्फ सेंट्रोमियर्स होगा, डाइसेंट्रिक जो होगा उसमें दो होगा, पॉलीसेंट्रिक्स मोर देन टू, मोर देन टू मींस नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें कैसा दिखेगा सेल्स, मतलब क्रोमोसोम्स होगा, अगर मान लीजिए ये सेंट्रोमियर मिडिल में है, यहाँ पे बहुत सारा आएगा और ये हम लोग सेंट्रोमियर से इस चीज को क्यों डिवाइड किए, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम लोग किसी भी इसको स्टेंड कर रहे होंगे, जब किसी डीएनए को स्टेंड किया जाता है तो सेंटर सेंट्रोमियर ही एक वो पार्ट है जो स्टेंड नहीं होता। स्टेंड का मतलब कि अगर हम लोग किसी क्रोमोसोम्स को कलर कर रहे हैं, तो मान लीजिए इसका इसको कलर किया गया तो इसमें एक इसको डीएनए बेस के मुताबिक इसका कलर चेंज होगा, पर जो सेंट्रोमियर का जो पार्ट होगा यहाँ पे ये अनचेंज रहेगा, इसको कोई कलर नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेंड ही नहीं होता। इसलिए पूरे भी जितना भी क्रोमोसोम्स है उसको सेंट्रोमियर के बेसिस पे डिवाइड किया गया है पोजीशंस और नंबर में। हम लोग पढ़ेंगे अब होमोलोगस हेटरोलोगस हैप्लॉइड डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स के बारे में। तो होमोलोगस क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम बोलते हैं जब दो क्रोमोसोम शेप और साइज में बिल्कुल एक जैसा हो, ये दोनों देखो बिल्कुल एक जैसा है शेप और साइज में, देखिए तो ये दोनों जो हुआ ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुआ। और ये दोनों अगर क्रोमाटिड में देखेंगे ना तो ये हेटरोलोगस सेगमेंट हुआ एक दो क्रोमाटिड का, क्रोमोसोम्स में ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हुआ। और अगर डेप्थ में अगर जानना है तो फिर लोकाई, अगर दो क्रोमोसोम्स का लोकाई भी अगर सेम होगा, लोकाई होता है जिस जहाँ पे नंबर ऑफ डीएनए एक साथ कैरी करता है, नंबर ऑफ डीएनए एक साथ होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करता है तो उसको हम लोग लोकाई बोलते हैं। तो अगर दो क्रोमोसोम्स का लोकाई भी बिल्कुल अगर सेम होगा तो होमोलोगस होगा, लोकाई अगर डिफरेंट पोजिशंस में भी होगा तो वो हेटरोलोगस होगा। लोकाई की वजह से ही उसमें बैंड बनता है, डार्क बैंड लाइट बैंड करके बहुत सारा बैंड्स बन जाता है ये लोकाई की वजह से। और वो जहाँ पे सेम पोजीशंस में होगा उसको होमोलोगस बोलेंगे, जहाँ पे डिफरेंट पोजीशंस में होगा उसको हेटरोलोगस बोलेंगे। और इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो क्रोमोसोम साइज और शेप में बिल्कुल एक जैसा होगा उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे, और जो साइज शेप या फिर स्ट्रक्चर में डिफरेंट होगा उसको हेटरोलोगस बोलेंगे। इसके एग्जांपल्स हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, फीमेल का क्रोमोसोम्स XX और XX जो है वो होमोलोगस है, और हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स होगा जो साइज और सेज में डिफरेंट होगा उसको हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। इसके एग्जांपल XY है मेल में, और हेटरोलोगस का एक अगर इसमें भी इसका भी अगर लोकाई अगर डिफरेंट पोजीशंस पे भी अगर ये है ये बना हुआ है तो उसको भी हम लोग हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स बोलेंगे। जैसे देखिए इसमें इसका जो लोकाई है, इसमें जो बैंड्स है ये बहुत ज़्यादा है, इसमें जो बैंड्स है ये कम है, इस बुनियाद पर भी इसको हम लोग हेटरोलोगस क्रोमोसोम्स बोल सकते हैं। अगर होमोलोगस हेटरोलोगस यहाँ पे क्लियर हुआ, होमोलोगस क्रोमोसोम्स मतलब साइज स्ट्रक्चर शेप सब कुछ एक जैसा होगा, हेटरोलोगस डिफरेंट होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, हैप्लॉइड और डिप्लॉइड कैसे होता है। हैप्लॉइड को हम लोग एन से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को 2n से। अब एन और 2n क्या है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स जो होता है वो एक सेल में हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स होता है उसको हम लोग हैप्लॉइड बोलते हैं। जैसे ह्यूमन में टोटल क्रोमोसोम्स नंबर 46 है, इसका हैप्लॉइड क्या होगा 23 is equals to n, तो human में n is equals to 23 होता है, वो हुआ haploid। haploid cells के example अगर देखेंगे तो sperm और ovum, और diploid, diploid क्या है, अब देखिए 46 total chromosome है, इसका haploid 23 है, 23 मतलब n, तो 2n मतलब 46, तो 46 जो होगा टोटल नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स, ये जो है इस अगर किसी सेल में होता है उसको डिप्लॉयड कहते हैं, तो सारा जो ऑटोसोम्स है ह्यूमन बॉडी में वो डिप्लॉयड है एक्सेप्ट सेक्स क्रोमो सॉरी सारा जो सेल्स है ह्यूमन में, सारा सेल्स एक्सेप्ट स्पर्म और ओवम, सारा सेल्स जो है वो डिप्लॉयड है, और स्पर्म और ओवम जो है वो हैप्लॉयड सेल्स है। हैप्लॉयड सेल्स जो है वो मियोसिस सेल डिवीजन में बनता है, और डिप्लॉइड सेल जो है माइटोटिक सेल डिवीजन में बनता है। और फिर अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रोमाटिन, क्रोमाटिन में दो चीज पढ़ना था, यू क्रोमाटिन और हेटरोक्रोमाटिन। यू क्रोमाटिन जो है
यू क्रोमाटिन एक्चुअली 90% ऑफ द ह्यूमन क्रोमाटिन जो होता है यू क्रोमाटिन होता है। क्रोमाटिन लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, द फाइल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए को क्रोमाटिन कहते हैं। तो क्रोमाटिन जो है यू क्रोमाटिन जो है वो 90% ऑफ द ह्यूमन क्रोमाटिन जो है यू क्रोमाटिन होता है। तो इसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये लाइटली क्वाइल्ड होता है, फुल्ली क्वाइल्ड नहीं होता, लाइटली क्वाइल्ड होता है। लाइटली क्वाइल्ड होता है इसलिए बहुत अच्छे से स्ट्रेन नहीं हो पाता। अब जैसे अगर हम आपको इसका अच्छे से एग्जांपल दे दें, एक सूती का कपड़ा लीजिए आप जो बहुत हल्का सा है, नेट का कपड़ा, और एक बहुत इसका ये ऐसा कोई डार्क कपड़ा ले लीजिए, और दोनों को कलर में डुबाएंगे, जिसपे सबसे अच्छा कलर जाएगा वो जो सबसे ज़्यादा स्ट्रेन हो, मतलब सबसे ज़्यादा स्ट्रेन होगा वो कौन सा होगा जिसमें बहुत ज़्यादा ही फाइबर्स है, और एक हल्का फाइबर्स वाला है, यहाँ पे कलर कम दिखेगा पर यहाँ पे कलर ज़्यादा दिखेगा क्योंकि इसमें फाइबर्स ज़्यादा है, यहाँ पे फाइबर्स कम है, वैसे ही देखेंगे। तो ये लाइटली क्वाइल, जो लाइटली क्वाइल्ड होगा वहाँ पे स्ट्रेन भी सही से नहीं होगा, और वो ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प होगा। ट्रांसक्रिप्शन अगर बाद में जब डीएनए पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन को। ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में यू क्रोमाटिन मतलब ये लेगा, टेक पार्ट लेगा पर अदर नहीं लेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, LNT, एल फॉर लाइट क्वाइल, एन फॉर नॉट स्ट्रांगली स्ट्रेन, टी फॉर ट्रांसक्रिप्शन। लाइट क्वाइल बिकॉज लाइट क्वाइल की वजह से ही वो स्ट्रांगली स्ट्रेंड नहीं कर हो पाता है और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। और इसके बाद फिर देखेंगे हेट्रोक्रोमाटिन। हेट्रोक्रोमाटिन एकदम इसका अपोजिट होता है हेट्रोक्रोमाटिन। हेट्रोक्रोमाटिन मतलब टाइटली स्ट्रेंड क्रोमाटिन, क्रोमाटिड ऑफ डीएनए पैकेज होता है, बहुत ज्यादा ही डीएनए को अगर देखेंगे तो फुल्ली क्वाइल करके रखता है उसको। चूंकि ये टाइटली क्वाइल्ड है इसलिए यहाँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंड बहुत जल्दी होता है, और ये फिर नॉन ट्रांसक्रिप्टिंग होता है। चूंकि 90% ऑफ द स्विफ्ट ये 10% ऑफ बाकी का होता है इसलिए ये ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प नहीं करता। इसको अगर याद करने के लिए अगर हम देखेंगे तो नीचे से इसको देखेंगे NST या फिर TSN, ठीक है, टाइटली क्वाइल्ड, स्ट्रॉन्गली स्ट्रेंड और नॉन ट्रांसक्रिप्टेड। ये हुआ क्रोमाटिन्स के बारे में। तो यूक्रोमाटिन्स हेट्रोक्रोमाटिन्स में पर यूक्रोमाटिन जो होता है लाइटली क्वाइल्ड होता है, नॉट स्ट्रॉन्गली स्ट्रेंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है, और हेट्रोक्रोमाटिन जो होता है वो टाइटली सॉरी ये लाइटली क्वाइल्ड होता है, ये हेट्रोक्रोमाटिन टाइटली क्वाइल्ड होता है, ये स्ट्रॉन्गली स्ट्रेंड होता है, चूंकि टाइटली क्वाइल्ड इसलिए स्ट्रॉन्गली स्ट्रेंड करता है और नॉन ट्रांसक्रिप्टिंग होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आ जाएंगे क्रोमोसोम्स के बारे में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं है पर नेक्स्ट टॉपिक पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम्स जो होता है वो दो चीज से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर बना होता है और अदर प्रोटीन एंड मिनरल से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन और अदर प्रोटीन एंड मिनरल्स, पहले हम लोग अदर प्रोटीन एंड मिनरल्स जो 10% है पूरे इसका उसको देख लेते हैं। तो वहां पे क्या है, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और मैंगनीज, ये सारा मिनरल्स होता है और अदर प्रोटीन्स होता है जो इसको एनर्जी में एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसका फिर हम आ जाएंगे न्यूक्लियो प्रोटीन। न्यूक्लियो प्रोटीन जो होता है वो मेनली दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल प्रोटीन्स होता है और एक न्यूक्लिक एसिड्स होता है। नॉर्मल प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो है वो डीएनए और आरएनए है दो को न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। नॉर्मल प्रोटीन्स होता है वो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होता है। हिस्टोन प्रोटीन बेसिक इन नेचर होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एसिडिक इन नेचर होता है। प्रोटीन्स में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, हिस्टोन जो है वो H1, H2, H3, H4 और H5 टाइप, H5 होता है, और नॉन हिस्टोन जो होता है वो लिपोक्रोम और मेलानिन होता है। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इसके बाद ये दोनों 9-9 होता है। अच्छा फिर न्यूक्लिक एसिड में आ जाएंगे तो न्यूक्लिक एसिड में डीएनए और आरएनए, डीएनए का फुल फॉर्म हो गया आप लोग जान रहे हो। चलो यहाँ फिर से देख लेते हैं हम लोग। क्रोमोसोम्स है दो पार्ट में डिवाइड है, न्यूक्लियो प्रोटीन और अदर प्रोटीन एंड मिनरल्स। न्यूक्लियो प्रोटीन में प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स में हिस्टोन और नॉन हिस्टोन, हिस्टोन बेसिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है और नॉन हिस्टोन एसिडिक इन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर न्यूक्लिक एसिड में आ जाएंगे हम लोग डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तब देखेंगे अदर प्रोटीन जो अदर प्रोटीन एंड मिनरल्स जिसमें सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फेरस और मैंगनीज होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।